भी सुन रहे हैं सौरभ यादव यूट्यूब चैनल करेल के सौजन से। ऐसा हुआ रब्भा कि चलिए सरकार सजाई वही रब्भा बिंदु सो बहु कहीं न जाए मृग जैसे नैना लगी जब रब्भा चली है क्या देखा तपस्या करने के बाद अपनी गुफा में सो रहे हैं सुखदेव चली है रब्भा सुखदेव जी रहे हैं सोए खोले देखी बार देखा भीतर खोले ले कोई इंद्र ने पठाई में होगे चली है रब्भा सुखदेव जी रहे हैं सोई खोले के बारे में कभी तरह बोले ले कोई इंद्र ने पठाई में तो वो गिरे को आई धीरे धीरे रही है बतलाई कोई रामारा चली है रब्भा सजाई कोई सुखदेव बोले बोले सुखदेव तू तो दारा मौकी लागे मां और देवे असराम बस मोए जावे को तेरोगा सोए दिल में ये गबराई वो ही चलिए जैसे ही सारी बात कही कि मैं तुझे श्राप दे दूंगा रब्भा लौट गई इनकी तपस्या पूर्ण भई लेकिन इन्हें स्वर्ग नहीं मिला क्योंकि तब तक इनके कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता बिन गुरु भवन दित रहे न कोई और चय विरंज शंकर सम होई चाहे आप तपस्या करके शंकर से बड़े बलशाली क्यों ना बन जाओ लेकिन जब तक तुम्हारे गुरु नहीं है तब तक कल्याण नहीं होगा। तो इन्हें बताया है नारद ने कि तुम अपने गुरु करो जनक तो ये गए क्या देखा कि वो जनक दिन में अपनी पत्नी के पास लेटे हैं आकर के द्वार बड़े बोले कहाँ भेज दिया उसे पत्नी से फुर्सत नहीं है क्या गुरु बन जाएगा बोले दोबारा जाओ ये देखो पत्नी के पास लेटे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं फिर गए क्या देखा कि पत्नी के पास तो दिन में लेटे हैं लेकिन उनका एक पैर नीचे जलती हुई आग में रखा है तब